हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व दैट एक्सरसाइज 3.2. इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन, क्वाड्रेंट, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्सेट्रा. नाउ वी सॉल्व द एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन. हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं. ओके, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन में जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल लाइन, उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, और ये क्या आपका वर्टिकल लाइन. ठीक, हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं. ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा हॉरिजेंटल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस. ओके, नंबर सेकेंड, नंबर सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन. व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. दीज टू लाइंस से आपका जब इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, ये दोनों फोर पार्ट्स में डिवाइड होगा नहीं आपका, और यही फोर पार्ट्स क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट. क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट. ओके, नंबर थर्ड, राइट द नेम ऑफ पॉइंट. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट. ये दोनों लाइन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन. क्या बोलते हैं इसको. ओके, नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर टू. सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग. ये जो आपका फिगर है 3.14 ये आपका फिगर है, और इस फिगर में जो भी आपको दिख रहा है उसके जो क्वेश्चंस वहाँ पर गिवेन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बात समझ में आया. तो फर्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. जो बी पॉइंट है आपका, इसमें बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है. इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा. अब यहाँ पे देखिए, इसमें यक्स की वैल्यू कहाँ पे, ये जो लाइन है कहाँ पे यक्स पे टच कर रहा है, तो यहाँ से देख रहे हैं यक्स पे किस पे कर रहा है, माइनस फाइव पे. तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस फाइव. ध्यान देंगे फिर से, यक्स की वैल्यू कहाँ होगा, ये जो लाइन टच कर रहा है किस पे देख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका है, ये जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ पे टच कर रहा है, माइनस फाइव पे. तो एक्स एक्सिस क्या होगा आपका, माइनस फाइव. ओके, वाई देखते हैं, ये जो लाइन आ रहा है इस तरह देख रहे हैं, कहाँ पे टच किया, टू पे. तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ द बी, ये एक्स की वैल्यू है, ये आपका वाई की वैल्यू है, माइनस फाइव एंड टू. नाउ सेकेंड, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स की देखो, ये जो टच लाइन कहाँ पे एक्स पे टच कर रहा है, किस पॉइंट पे, फाइव प्लस फाइव, फाइव. एंड ये जो ये लाइन देखो कहाँ टच कर रहा है, माइनस फाइव पे, ये आपका वाई की वैल्यू होगा, माइनस फाइव. बस में आया, सी एक्स की वैल्यू फाइव, माइनस फाइव. ओके, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई द कोऑर्डिनेट माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, वाई इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस फाइव, माइनस थ्री, माइनस फाइव, कहाँ पे मिल रहे हैं ये दोनों, पॉइंट ई, पॉइंट ई, पॉइंट ई. ओके, नंबर फोर, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट टू माइनस फोर, एक्स इक्वल टू टू, x इक्वल टू टू,
एंड y इक्वल टू माइनस फोर, y इक्वल टू माइनस फोर यहाँ पे है, दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहा है यहाँ पे g पे, 2 माइनस फोर कहाँ मिल रहा है g पे, तो ये आपका पॉइंट कौन सा होगा आइडेंटिफाई, पॉइंट g, ओके। द एक्सिस ऑफ the axis of the point D यहाँ पे है, और axis means x की वैल्यू, the x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है आपका, ये जो लाइन है कहाँ टच कर रहा है 6 पे, तो कितना axis है इसका 6, ओके। पॉइंट D का axis कितना है 6, ओके। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, पॉइंट H का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स x y की वैल्यू, और y की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कहाँ कर रहा है माइनस 3 पे, ये h की वैल्यू कहाँ माइनस रहा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगा माइनस 5 3 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3, और ये आपका ऑर्डिनेट है क्या होगा माइनस 3, ओके। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L ये यहाँ पे y एक्सिस पे है पॉइंट, तो यहाँ पे 0 है, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5, 0 5 पॉइंट L, L किस कहाँ पे है, वो x एक्सिस पे, y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे x हमेशा क्या होगा 0, ओके। तो क्या होगा 0 5। द पॉइंट ऑफ पॉइंट M, यहाँ पे हम देखो ये एक्सिस क्या है, x एक्सिस है आपका, और x एक्सिस पे y क्या होता है 0, और x की वैल्यू कितना है माइनस 3 एंड 0, ये आपके पॉइंट्स हैं। तो ध्यान देना कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो y 0 होगा वहाँ पे, और y एक्सिस है तो x 0 होगा, इसको बात को ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ, और इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो गया, ओके। थैंक यू।